गया जिला के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी लगभग 16,177 वोट से जीत हासिल की है। इससे पहले 2015 में भी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी जीत हासिल किए थे। पिछले चुनाव में भी उदय नारायण चौधरी से ही जीतन राम मांझी का टक्कर था। बता दें कि श्री मांझी पिछले चुनाव जीतकर अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं बने रहने के कारण जनता में मांझी के प्रति आक्रोश था, लेकिन जनता बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहती थी। इसी कारण से कोई भी जनता ने बड़ा फैसला ना लेकर पुनः जीतन राम मांझी को अपना विधायक चुना। इनकी जीत पर गया वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकिशोर साहनी ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें गुलदस्ता देकर जीत की बधाई दी। बिहार के मखदुमपुर विधानसभा से राजद उम्मीदवार मगध के कन्हैया कहलाने वाले सतीश दास ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल किया है। बता दें कि सतीश दास एक युवा हैं। वे अपने चुनावी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, युवाओं को रोजगार लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे और वे लगभग 25,000 वोट से जीत हासिल किया और इसका श्रेय मखदुमपुर विधानसभा की जनता को दिया। विजय के लिए तो सबसे पहले मखदुमपुर की महान जनता को धन्यवाद देते हैं। उनसे भी ज़्यादा हम अपने पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने एक सड़क पर संघर्ष करने वाला को मौका दिया और मखदुमपुर की जनता ने हमारे नाम के ऊपर, हमारे काम के ऊपर, हमारे संघर्ष के ऊपर मोहर लगाया और तकरीबन 25,000 से ज़्यादा मतों से जिताने का काम किया। इसलिए मखदुमपुर की एक एक जनता को हम तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। दूसरा सबसे जो बड़ी बात रहा है कि जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, जिस तरीके से इस मोदी युग में तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली बना दिया गया है, जिसका नमूना आप इस देख रहे हैं कि किस तरीके से जनादेश को कुचला जा रहा है। एक बहुमत से निर्वाचित हो रही सरकार को, एक बहुमत से निर्वाचित हो रही गठबंधन को किस तरीके से साजिश के तहत रोका गया है कि निर्वाचन आयोग को 12 बजे रात में निर्देश देना पड़ा है कि फिर से रिकाउंटिंग होगी। तो निर्वाचन आयोग ने हमारे शिकायत को नोटिस में लिया है कि कहीं ना कहीं सरकार और लोकल प्रशासन मिली भगत से छेड़छाड़ किया गया है और निर्णय को, रिजल्ट को प्रभावित किया गया है। तो हम यही मांग करते हैं, हमारी लड़ाई जो सड़क पर थी वो सदन में भी होगी। जिस तरीके से संविधान को कमजोर किया जा रहा है, जिस तरीके से बहुजनों के तमाम अधिकार को छीना जा रहा है, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे उनके शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हो, चाहे उनको जमीन और जगह रखने का अधिकार हो, जो किसान कृषि बिल ला करके उनका अधिकार को समाप्त किया गया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जो जगदेव बाबू का एक सपना था कि जो 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो आज 90% लोग हाशिए पर हैं। ये मुट्ठी भर लोग, ये मोटे मोटे तोंद वाले लोग, ये 90% लोगों को कुचल रहे हैं, उनके तमाम हक अधिकार को छीन रहे हैं। आज रेलवे से लेकर तमाम संस्थानों को बेचा जा रहा है, जहाँ पे बहुसंख्यक समाज के लोगों को नौकरी मिलता था, आज वो तमाम लोग निराशा में हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और सरकार किन्हीं की भी बने, हम उनसे ही कहेंगे कि सदन में 2-4-10 मार्शल ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा, लड़ाई बड़े आर पार की होने वाली है।